एलक्राफ्ट वर्सेस टीम ब्रॉलर्स, बहुत मुश्किल V3 यहाँ पर एक्सोबिक मौका उनके पास रहेगा, देखते हैं कि वहां पर जो फिनिशर है वो सिक्योर हो पाएगी नहीं। जी हाँ, यहाँ पर एक और प्लेयर को नॉक किया, रावत आगे की तरफ आएंगे, जिस तरीके से हमने राउंड वन में उनको देखा था वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर आएगा। और अब मात्र एक ओपोनेंट बचेगा, दोनों साइड से जो प्लेयर थे वो यहाँ पर जा सकते हैं, मुश्किलें बढ़ा सकते हैं उनकी, ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो एचपी। टीम ब्रॉलर 6 फिनिशेस बढ़ना चाहते हैं, बट क्या उनके पास गाड़ियां हैं? एक गाड़ी देखने को जरूर मिलती है, बट बेमैक्स का शानदार नेड सागवान को करेगा यहाँ पे नॉक, और खुद भी जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो सकता है ब्रॉलर्स के बचे हुए प्लेयर्स का। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन पर व्हीकल लेके स्लैमिंग करने की कोई जरूरत थी नहीं, पर लेकिन प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश जरूर से रहने वाली है। सांगवान खैर उनको तो नहीं बचा जा पाएगा, डार्क को आगे जाना चाहिए था, सर्कल को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, लेकिन ब्रॉलर्स को खत्म करा टीम लाइफक्राफ्ट ने। अनस्टॉपेबल पीछे से अभी जो बैक स्टैब आ रहा है उसको यहाँ पर झेलना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। जैसे ही स्मोक हटेंगे तब आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्मोक के अंदर भी रैंडम से रहना भी आपको कनेक्शन ढूंढ पा रहे हैं, और उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ले नहीं रही। फिर वो किस तरह से जोड़ते जाएंगे एक बड़ा सवाल, क्योंकि जैसे आपने बताया वहाँ पे शायद स्मोक ना हो, बट भाई अगर दूसरी तरफ बात की जाए पॉट स्लेयर नॉकडाउन को भी करा जाता है, और यहाँ पे द अनस्टॉपेबल लुकिंग रियली गुड, बट बेबी को आगे जाना पड़ेगा स्पे करने की कोशिश। यूएमपी के साथ खत्म करेंगे अपने अपोनेंट्स को। नाउ इट्स अ 2v3v1 फाइट, जहाँ पे बात करें टीम नियॉन की, 3 प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे हैं। हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे क्या वो सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे, जी हाँ 7 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। मैं कहूंगा अभी भी एक प्रबल दावेदार, लेकिन स्पॉट किए जाएंगे बॉट प्लेयर डाउन। वो जो एक खिलाड़ी पीछे छोड़ रखा था वो यहाँ पर उनके ऊपर तकलीफें बरपाता हुआ नजर आएगा, एंड टीम अनस्टॉपेबल एलिमिनेट होते हुए एक 1v3 का सिनेरियो यहाँ पर जरूर से रहने वाला है, जहां पर एक खिलाड़ी नॉक्ड आउट है। कहीं ना कहीं बेबी की जो पोजीशनिंग है वो हमें रिवील नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने वहां से स्प्रेस लिए थे। अभी के लिए बेबी की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि अगला जो जोन है वो बेबी के पास है और वो नियॉन के पास नहीं है। एक 1v3 क्या दोबारा से अंकिया में देखने को मिल सकता है, एक बड़ा सवाल बन जरूर जाता है। बट शॉट क्यों नहीं ले रहे? टॉक्सिक कैप्टन को कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वहां पे पिक्सल दिख रहा है, बट शॉट लिया नहीं और नॉक प्लेयर को खत्म होने दिया। नाउ इट्स 1v2 और यहाँ पे एक मजेदार 1v2 देखने को मिल सकता है। बिल्कुल टॉक्सिक के ऊपर वो स्प्रेस देते हुए नजर आ रहे। चलिए फाइनली बेबी को पता चल चुका है कि पोजीशनिंग कहां पर है। वेल यहां पर एक अच्छी स्ट्रेटजी देखने को मिलती हुई, क्योंकि टॉक्सिक से जब तक वो फाइट लेंगे तब तक उनके पास एक कॉक रहेगा कि वो सर्कल के जाए, लेकिन बेबी वो एक और नॉक निकालेंगे। नाउ वी आर डाउन टू अ 1v1 सिनेरियो। माइकी के पास ऑप्शन जरूर से रहता है, क्योंकि उनका जो अभी पोजीशनिंग है वो बिल्कुल भी रिवील नहीं है। बेबी की पोजीशन पूरी तरीके से हमें रिवील नजर आती है, और फाइनली उन्होंने स्पॉट जरूर से किया, लेकिन अब माइकी ने अपनी जो पोजीशन है वो भी रिवील कर दिया, एंड बेबी के पास एक मौका है ये 1v3 क्लच करके वो जो चिकन डिनर है वो लेकर के जाए अपनी टीम के लिए। जोन के अंदर जाना पड़ेगा अगर हम बात करें बेबी की, और अब ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा दोनों सवाल पर बहुत मुश्किल, बट इट डिड इट 1v3 and Cravex will be taking that home. वो हमें सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं, बात मैं कर रहा था इस वक्त लाकोब्रिया के साइड से जो टीम रोटेट कर रही है। कमिंग सून की बात करी जाए उनका एक प्लेयर खत्म हो चुका है, मैथगॉट की बात करें वो डाउन है, क्योंकि फिनिशर्स तो थे इस बार भी फिनिशर्स निकालने की ज्यादा कोशिश। कमिंग सून बहुत ज्यादा मुश्किलों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लेयर जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी। एक रिवाइवल यहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सांगवान आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है शायद कि पीछे प्लेयर मौजूद है। व्हीकल से वहां पर प्लेयर आए, ओपन में बिल्कुल उतर चुके, बट टीम ब्रॉलर्स कैसे भी करके अभी भी सर्वाइव करते हुए आखिरी खिलाड़ी फिनिश जरूर से करेंगे वो, लेकिन सागवान के रूप में एक कैजुअलिटी उनके ऊपर आएगी जरूर से। एलक्राफ्ट के डूबी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इतना कम एचपी पे माही उनको डाउन करेंगे। दो प्लेयर्स आगे की तरफ आ जरूर से रहे, अभी भी उनका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल। बड़ा माही को देखें, कोशिश उनकी भरपूर रहेगी, उन्होंने प्लेयर को कैसे नहीं देखा जब आपके प्लेयर को अभी अभी उन्होंने डाउन किया था, बट नहीं मुश्किलें हो सकती है यहाँ पे लाइफक्राफ्ट के लिए। बट चलिए कम से कम वहां पे वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाया गया, दूसरे एक लास्ट रो सर्वाइव करेंगे नॉट के, देखना है लाइफक्राफ्ट क्या खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगी या एक और प्लेयर को अपने वो नॉक करा सकते हैं। क्लाउनी ग्रेनेड करने की कोशिश रहेगी, बट अभी भी आप देखें उन्होंने प्लेयर को स्पॉट करा है वहां पे, क्लाउनी को डैमेज दिया गया। निंजा बॉय एक बढ़िया ग्रेनेड नीचे के साइड पे गया, शायद ये ग्रेनेड आखिरी रहेगा और इसी के साथ वो टीम खत्म। हमें गेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, तो अब देखते टीम ब्रॉलर जो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। फाइनली उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील जरूर से की, ग्रिफिन डाउन, इन्फर्नो की बात करें वो भी मैं डाउन देती हूं, और अब एक आखिरी प्लेयर वहां पर बचता है, शायद वो भी ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे नहीं। लेकिन अब जो अगली फाइट है वो हमें देखने को मिलने वाली है दो एक्सपीरियंस लाइनअप के बीच में, टीम एलक्राफ्ट वर्सेस टीम ब्रॉलर। जो प्लेयर नॉक थे उनको अभी तक रिवाइव नहीं किया गया, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका। आइकॉनिक डाउन करेंगे क्लाउनी को, बट निंजा बॉय का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ आइकॉनिक को वहां पे डाउन किया गया, देखना पड़ेगा ग्रेनेड ठिकाने पे गया जी नहीं, ग्रेनेड बहुत ज्यादा दूर गया, बट बीस का एक बढ़िया मॉली जाता हुआ आइकॉनिक को वहां पे डाउन किया गया। रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अब ये फाइट कन्वर्ट हो चुकी है 3v4 में। क्लाउनी की बात करें वो अपनी पोजीशन को एक बार फिर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आएंगे, टू मिस डाउन, नाउ इट्स अ 3v3। डार्क आगे की तरफ जाएंगे दरअसल, लेकिन बीस्ट उनकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है। रावत इज डाउन, आइकॉनिक उनको स्पॉट करके डाउन किया जाएगा, डार्क ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। नाउ इट्स अ 1v3, बट उनके ऊपर ऑलरेडी मोलोटोव जाएगा, डाउन किया गया टीम एलक्राफ्ट। बट टीम लाइफक्राफ्ट
अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। बड़ा ब्रॉलर्स को देखे वो एलिमिनेट हुए जरूर है, बट उसका पूरा प्रेशर ये जाएगा प्रॉफिट ईस्पोर्ट्स को, जिस तरीके से सिट ने वहां पे प्लेयर्स को नॉक करा, खासा परेशान करा, नॉक्स पे नॉक्स उन्होंने निकाले जरूर। कॉफी की बात करें उनको कवर फायर मिल तक नहीं रहा है, वो अपने प्लेयर्स को पीछे देख रहे हैं। रिवाइव नॉक रिवाइव, बट कोई भी जो अब निष्कर्ष है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। बड़े आसानी से वहां पे लाइफ कैप को एलिमिनेट कर भी वाई, अभी अभी जस्ट उन्होंने देखा है, जस्ट सामने से उनको शॉट आया। 3v3v2 का सिचुएशन चलता हुआ, क्लाउनी उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है, बट बीस एंड डूम दोनों यहाँ पे रश करने की कोशिश करेंगे, बट इसी के साथ एक को डाउन किया, बीस डाउन है। डूम की बात करें एचपी कम है, फ्यूरी को भी वो डाउन करेंगे, सेड लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। 1-1 का सिचुएशन यहाँ पे चलता हुआ, बट सेट की बात करी जाए उनको भी खत्म किया गया डूम के द्वारा, और अब 1v2 का यहाँ पे सिचुएशन चलता हुआ। पेसेक्स वो वहां पे इंतजार कर रहे थे, और शायद इसी के साथ एक बढ़िया विन हमारा चिकन डिनर हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, P6 के स्क्वाड बढ़िया खेले टीम P6, टीम लाइवक्राफ्ट ईस्पोर्ट्स का एक बढ़िया कमबैक, टीम प्रॉफिट ईस्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन है, टीम अनस्टॉपेबल, उनका सफर यहीं पे समाप्त होगा। जाते जाते क्या एक को वो नॉक कर सकते हैं? जी नहीं, इसी के साथ आरसी की स्क्वाड भी इस मैच से बाहर। लास्ट प्लेयर बचे हुए थे फिनिक्स, और वो अपना जो फिनिश था टीम P6 के पास, 8 फिनिशेस, वहीं पे टीम अनस्टॉपेबल की बात करें एक बढ़िया गेम 7 फिनिशेस के साथ, रिडेम्पशन क्रू एक बढ़िया कमबैक 4 फिनिशेस। क्या तो वहां पे रिट्रीट तो नहीं करता कम से कम बहुत सारे डायलॉग्स दिमाग में आते हैं उसे, बट अभी के लिए बात करें टीम प्रेप की मुश्किल स्थिति में आएंगे, बट डू और डाई की बात करें उनके ऊपर एक बढ़िया रिटेलिएशन नॉक यहां पर जरूर से लिया गया, वापस से इवन हो चुकी है सिचुएशन, एक 3v3 का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। दानव जो कि नॉक आउट फिनिश उनको किया जाएगा, कोशिश है वो कितना ज्यादा करने में उसको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अगर ओपन में जाएंगे बालू इंस्टेंट नॉकआउट हमें देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ से स्प्रे जाएंगे, बालू विल बी डाउन एंड टीम डू और डाई बैक फुट पर। टीम क्रेवेक्स की बात करें वो जो बदला था वो लेते हुए 1-1 इस सिचुएशन को करने में बहुत करीब। बेहतरीन स्प्रे यहाँ पे जरूर देखने को मिला, बट अभी भी वहां पर प्लेयर बचे हैं, ड्रोनी अटंक जरूर मचा रहे हैं, एक प्लेयर को नॉक यहाँ पे जरूर करा जाता है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा, नेड आएगा बेबी को डैमेज देगा लेकिन नॉक नहीं निकाल पाएंगे। और ड्रोनी देखिए जितना उन्होंने शोर वहां पे मचाया है ना, वहां पे नॉक होना लाजमी है। भालू उनको क्या रिवाइवल मिल सकता है वो एक देखने वाली बात जरूर से रहेगी, लेकिन चारों खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ जरूर से रहे, कोई भी वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं। बट अभी के लिए एक 1v2 का सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर BHC के जो प्लेयर्स वो आगे की तरफ आएंगे, मिकी कुछ खास कर नहीं पाएंगे, इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट हमें देखने को मिल जाएगा, बट पीछे से स्नाइपर मौजूद जरूर से थे, स्नाइपर हाथ में नहीं थी बट स्टिल एक बढ़िया स्प्रे हमें देखने को मिलता है, और मिकी उनका भी फिनिश वो लेकर के जाएंगे। तो ये भैया अगर आरसी के बेमैक्स की बात की जाए सामने एक प्लेयर हाजिर हो जाता है, 1v1 बैटल देखने को मिल सकता है, बट 1v1 ये है नहीं, पीछे से क्रेवेक्स के बाकी प्लेयर भी आएंगे, बेमैक्स ने एक नॉक तो निकाला जरूर है बट उनको खुद नॉक करा जाएगा ब्रॉलर्स के दाग के द्वारा। बिल्कुल सेंटर में मैन एडवांटेज है उनके पास देखने को मिलता है, टीम क्रेवेक्स की बात करें मुश्किल है बहुत ज्यादा, बिकॉज रिडेम्पशन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा करीब जरूर से आएंगे, एक प्लेयर नॉकआउट उनका में देखने को मिलता है, वो बेबी ओपन में जा रहे थे बिना स्मोक के, आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते, पार्क का एरिया तो ये नहीं है फिलहाल। अगर हम बात करें टीम लेविटेट की, स्पॉट जरूर से किया गया है, कल्पेश जो वहां पर कुछ प्लेस देने की कोशिश कर रहे हैं, मैन एडवांटेज रहने वाला है जरूर से, गोविक चाह रहे थे कि वहां पर जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाए बट उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। टी नेट्स देखने को जरूर मिले, पहला नॉक इंपॉर्टेंट वो निकलेगा नाइट नूब के द्वारा, बट स्ट्रेट अवे डार्क की तरफ से एक शानदार कवर, रिटेलिएशन फायर में नाइट नूब को भी नॉक करा जाता है। कल के दिन पे भी देखा था जब टीम केरला ई-स्पोर्ट्स के उसे एक खिलाड़ी ने पूरा गेम बदला था, और यहां पर एक्सोविक मौका उनके पास रहेगा, बिल्कुल स्पॉट किया गया, वहां पर डाउन कर सकते हैं लेकिन स्प्रेस मिस किए गए, डार्क वो पीछे से कवर फायर देते हुए नजर आएंगे, और अब शायद कुछ खास ना कर पाए, बिल्कुल एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा टीम रिडेम्पशन का भी, और अब एक 2v1 इंपैक्ट, वो आखिरी प्लेयर बचेंगे एलिमिनेट करेंगे टीम ब्रॉलर्स, they are showing their supremacy, their 8 finishes अकेले टीम ब्रॉलर्स के डार्क लेकर के जाएंगे, टोटल 14 फिनिशेस के साथ विनर विनर चिकन डिनर। एनिमीज जो है वो उनके सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये क्या करने की कोशिश हो रही थी, आगे की तरफ आएंगे फ्रैग्स की जो प्लेयर्स है वहां पर एक नॉक जरूर से निकालेंगे, ऑफ गार्ड एंगल क्रिएशन हमें देखने को मिलता हुआ डीपी किट की साइड से, एंड सांगवान एक बार फिर से अपनी टीम से पहले खिलाड़ी बनते हुए। बट ब्रॉलर्स की बात करें डार्क वहां पे डाउन किए जाएंगे फ्रैग के द्वारा, फ्राग ने वो पीछा जो था वो छोड़ा नहीं है, दो प्लेयर से यहाँ पे डाउन हो चुके हैं मात्र दो प्लेयर, रावत एंड आइकॉनिक बचेंगे अपनी टीम से। ये वाला ग्रेनेड चलिए ठिकाने पे नहीं जाने वाला, वहां पे कोई मौजूद नहीं रहेगा, बट रावत का क्या वो ग्रेनेड आया स्मोक था क्योंकि अभी तक तो हमने देखा नहीं, बट रावत बहुत ज्यादा ओपन में आके अपने आप को एक्सपोज करा बैठे, और एक बढ़िया शॉट जाता हुआ एक्सट्रीम का डाउन किए गए, लास्ट प्लेयर बचेंगे आइकॉनिक, इसी के साथ खत्म ब्रॉलर्स। उन्होंने स्मोक कर दिया तो शैक के अंदर सुरक्षित रहेंगे, आसान नहीं होगा वो ग्रेनेड शैक के अंदर डालना। आपसे क्या क्यों ही बोला मेसी वो चीज, मेरे ख्याल से क्या वो गेट जो था वो टूटा हुआ था या खोला हुआ था, क्योंकि स्लेट के थ्रू डालना तो
बहुत मुश्किल था। बट मीनवाइल अगर हम बात करें टीम रेडेम्पशन क्रू, उनको यहाँ पर डाउन किया जाएगा, जो प्लेयर रिवाइव देने के लिए आए थे उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम रेडेम्पशन क्रू बाउंस बैक कर की तरफ बढ़ते हुए जरूर से नजर आ रहे। टूथलेस नूब हीलिंग्स उनको लगानी पड़ेगी। बट मीनवाइल अगर हम बात करें टीम अनबीटेबल्स की, फीनिक्स वीकर लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ चुके हैं। उनको थोड़ा सा जोन के अंदर निकलना जरूर पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बड़ी सी के साथ आरसी का एक प्लेयर डाउन, अभी भी लेविटेट के प्लेयर सर्वाइव करेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली दो प्लेयर सर्वाइव करेंगे। चलिए स्टार को वहां पे डाउन किया गया, आरसी की स्क्वाड खत्म। टीम अनस्टॉपेबल निकाल के जाने वाली है, विनर विनर चिकन डिनर। 10 फिनिशेस टोटल, 25 अंक लेके जाने वाले। बट लेविटेट को आप देखें, यहां तक पहुंचे जरूर है, मात्र केवल 14 अंक रहेगा। रिडेम्पशन की बात करी जाए, 20 अंक इस मैच से निकाल के जाएंगे।